हेलो फ्रेंड्स, मंजू की किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वाटरमेलन का यूज बताने जा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा नहीं निकला, खाने में काम नहीं आ रहा, लोग इसको वेस्ट कर देते हैं। लेकिन मैं आपको इससे बहुत से आइटम बना के दिखाऊंगी। इस बीच वाले एरिया से हम डोसा भी बना सकते हैं, और साइड से मैं आपको इसकी सब्जी, बहुत ही टेस्टी सब्जी और पकौड़े बना के दिखाऊंगी। इसकी हम टूटी फ्रूटी भी बना सकते हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बना के दिखाऊंगी। फिलहाल हम इसके पकोड़े बनाते हैं। अब मैं इसके पीसेस काटूंगी, नीचे वाले पोर्शन को मैं ग्राइंड करके पकोड़े बनाऊंगी। तो इसके मैं पीसेस करती हूँ। इसको मैंने ग्रेट कर लिया। इसकी हम सब्जी बनाएंगे, सब्जी और पकोड़े। इन पीसेस को मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगी, इनका मैं वाटरमेलन जूस बनाऊंगी अगली वीडियो में। अब ये मैंने ग्रेट कर लिया, अब मैं इसका जूस अलग करती हूँ। तरबूज का रस मैंने उस टाइम अलग कर लिया था, इसको मैं सब्जी की तरी बनाने में यूज करूंगी। अब मैंने इसका पानी निकाल लिया है, अब मैं इसमें ये मसाले यूज़ करूँगी। इसमें मैंने 3 टेबलस्पून बेसन लिया है, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून मिर्च, थोड़ा अदरक का पेस्ट, थोड़ा हरी मिर्च का पेस्ट और हल्दी। इस ग्रेट किए हुए वाटरमेलन को हम दही में यूज़ करके उसका रायता बना सकते हैं। अब मैं इन सबको इन पकौड़े बनाने के लिए इसमें मिक्स करूँगी। कुटा हुआ धनिया बहुत ही अच्छा लगता है, ये बहुत जरूरी है। अब मैं इन सबको हाथ से मिक्स करके इसके पकोड़े बनाती हूँ। अब मैं इस मटेरियल के पकोड़े बनाती हूँ। मैंने हाथ को थोड़ा चिकना कर लिया है। बहुत आसानी से बन जाते हैं। साइड बाय साइड मैंने तेल गरम कर लिया है, अब मैं इनमें पकोड़े डालती जाऊंगी। इसे हम चाय के साथ पकोड़ों की तरह भी खा सकते हैं और इसकी सब्जी भी बना सकते हैं। मैंने नेक्स्ट वीडियो में इसकी सब्जी बनाई है और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है।